Hello everyone, this is Mansi from PVDhati.in. Now we are starting with exercise 4.2. This is question number 1. So in this question we have classified the following curves as open curve or closed curve. यहाँ पे हमारे पास कुछ curves दे रखे हैं, हमें इन्हें classify करने की ये open curves हैं या closed curve हैं. So अब इसके name से ही suggest हो रहा है, open मतलब जो open हो रखे हैं, like if we see this curve, so ये कहीं पे भी इनके end points join नहीं हो रहे, right? So this means this will be a open curve. जहाँ पे closed curve है means वो कहीं से भी शुरू होके एक जगह उनके एंड पॉइंट्स मीट करे, मतलब वो फिगर क्लोज है या बंद है. उसका ही ऑपोजिट है ओपन कर्व, जो कि एंड पॉइंट्स मीट नहीं करे, इट इज एन ओपन फिगर. नाउ द फर्स्ट वन वी हैव इज दिस वन. सो इस फिगर को अगर हम देखें, सो दिस इज वन एंड पॉइंट, दिस इज अदर एंड पॉइंट. अब ये कहीं पे भी क्लोज नहीं हो रहा, सो दिस इज एन ओपन कर्व. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव दिस फिगर. नाउ वी कैन सी दिस फिगर इज क्लोज. ये जहां से भी अगर शुरू हुई होगी तो कहीं ना कहीं आगे उसका एंड पॉइंट मीट किया होगा, बिकॉज दिस फिगर इज क्लोज. सो दिस इज अ क्लोज कर्व. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. हियर वी ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि इसके एंड पॉइंट मीट नहीं कर रहे, सो दिस इज एन ओपन कर्व. नेक्स्ट वी हैव दिस ट्राइंगल. सो दिस इज अ क्लोज ट्राइंगल. नाउ सी इसी फिगर को, अगर ये फिगर इस तरह से होती लाइक दिस, दिस एंड दिस, सो दिस वुड हैव बीन एन ओपन कर्व, बिकॉज यहाँ पे ये मीट नहीं कर रहे, बट दिस इज अ क्लोज फिगर, और वी कैन से दिस इज अ क्लोज कर्व. ओके, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.